हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में मैंने एक नई सर्वाइवल वर्ल्ड बनाई जिसका नाम हमने रखा रैप्स वर्ल्ड। तो हमें चारों तरफ ट्रीज दिख रहे थे और मैं अपनी वर्ल्ड में आ चुका था। मैंने कुछ लीव्स तोड़े, इसके बाद मैंने वुड तोड़ा जिससे मुझे 6 वुड प्लैंक्स मिले। अब मैंने इन वुड प्लैंक्स का क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स बनाई। अब मैंने एक पिकैक्स बनाई जिससे मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को अपनी इन्वेंट्री में रखा और मैं चला गया एक नई जगह पे स्टोन ढूंढने। मुझे स्टोन मिला और मैंने उसकी माइनिंग शुरू कर दी, और मैं बहुत तेज़ तेज़ माइनिंग की थी और मैं बहुत सारी स्टोन की माइनिंग की थी ताकि मैं स्टोन का सामान बना सकूं और आगे मैं कोल और आयरन माइन कर सकूं। मैंने एक फर्नेस बनाया, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और एक स्टोन की पिकैक्स। इसके बाद मैं शीप ढूंढने लग गया और मैं अपने केव से दूर चला गया जहाँ पे मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा था। अब मुझे 2 शीप्स मिल गई, एक ब्लैक और एक वाइट। मुझे 2 शीप्स और मिली थी और मुझे बेड बनाना था, और मुझे 3 वाइट शीप्स मिल गई। मुझे एक हिल ढूंढना था और मुझे एक हिल मिला जो बिल्कुल खाली था, जिसके अंदर से मैंने डर्ट तोड़ा ताकि मुझे अंदर उसके स्पेस मिल सके। स्पेस ढूंढते ढूंढते मैंने उसके अंदर और माइनिंग शुरू की और मैंने फाइनली एक स्पेस बना ली अपने बेड के लिए और फर्नेसेस के लिए। इसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया और मैंने फर्नेस बनाया। अब मैं आगे की तरफ आ गया और मुझे एक केव मिल गई जिससे मैं नीचे गया। मैंने नीचे जंप मारी, वहाँ पे पानी था पर मैं उसमें लैंड नहीं हो सका। मैं आगे बढ़ा और मुझे आयरन मिला। मैंने थोड़ा सा आयरन ऑब्टेन किया और मैं दूसरी साइड पे चला गया केव की। मुझे आयरन और कोल दोनों एक साथ मिला। मैंने आयरन माइन किया और इसके बाद मैंने कोल माइन करने के लिए गया। मैं केव से बाहर निकल चुका था और अब रात हो चुकी थी। मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बी, स्केलेटन और क्रीपर्स नज़र आ रहे थे आसपास। मैंने अपने हिल के अंदर स्पेस ढूंढना शुरू की जहाँ पे मैंने हिल माइन किया था। मुझसे भागा नहीं जा रहा था और मैंने जो मटन तोड़ा था वो मैंने खाया और मैं एकदम से भागने लगा। भागने के बाद मैंने बहुत सारी कोशिश की और इधर उधर देखा और मुझे 2 खड्डे मिल गए जहाँ पे हिल था। मैंने 2 वुड प्लैंक्स लगाए और इसके बाद मैं बेड पे लेट गया।